खबर उत्तर प्रदेश से लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गौ आश्रम में गोबर से दिए और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, जिससे आश्रम को 1 करोड़ से ज्यादा की आमदनी हुई। दिवाली में घरों को रोशन करने के लिए हर साल मोमबत्ती और डिजाइनर दिए जलाए जाते हैं, लेकिन इस बार दिवाली गाय के गोबर से बने दियों से जगमग होने वाली है। मुरादाबाद के गौ आश्रम में गाय के गोबर से रंगीन और आकर्षक दिए बनाए जा रहे हैं, जो मिट्टी से बने दिए की तरह ही इको फ्रेंडली हैं। दियों के साथ साथ यहां लक्ष्मी, गणेश और कुबेर देव की मूर्तियां भी बनाई जा रही हैं। इन दियों और मूर्तियों को बिक्री से गौ आश्रम को करोड़ों की आमदनी हुई है। गौ आश्रम के संचालक का कहना है, इन पैसे से आश्रम में आने वाली गायों पर होने वाला खर्च भी निकाला जा रहा है और आश्रम के आसपास रहने वालों को रोजगार भी मिल रहा है। हिंदुस्तान के हर कोने में हमने अब गैया मैया के गोबर से बने हुए दियों को पहुंचाया है और इससे हमने अपने यहाँ बहुत सारा धन एकत्रित किया है, संग्रह किया है, जिससे हम आगे आने वाले दिनों में अपनी गैया मैया की सेवा कर पाएंगे। गोबर से बने दिए और मूर्तियों की बिक्री सिर्फ देश ही नहीं बल्कि